चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम 9:15 से 10 बजे तक शासकीय कार्य में होंगे शामिल। सीएम कैंप कार्यालय और चिंतन शिविर में होंगे शामिल। मसूरी के LBS अकादमी में आयोजित कार्यक्रम, दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में सीएम होंगे शामिल। सांस्कृतिक संध्या में प्रतिभाग करेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम 9:15 से 10 बजे तक शासकीय कार्य में होंगे शामिल। सीएम कैंप कार्यालय और चिंतन शिविर में होंगे शामिल। मसूरी के LBS अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम, दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में सीएम होंगे शामिल। सांस्कृतिक संध्या में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आज उसी तारतम्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अश्विता, अगर बात करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से 2025 से अगर राज्य को अग्रणी बनाने के लिए जो है ये पहले से ही रोड मैप तैयार किया गया था, इसके लिए बाकायदा आप 4 दिन का जो ये शिविर है ये मसूरी अकादमी के अंदर जो LBS अकादमी है उसके अंदर ये चिंतन शिविर जो है रखा गया था। इसका उद्घाटन बाकायदा जो पुष्कर सिंह धामी करेंगे अभी कुछ ही देर में, क्योंकि इस चिंतन शिविर के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से रोड मैप, विकास का रोड मैप है, किस तरीके की यहाँ पर जो है नीति अपनाई जाए, ये सब नियम चीजों पर जो है इसको बाकायदा चिंतन किया जाएगा। और ये जो शिविर है ये 4 दिन तक लगातार चलेगा। इसमें जो है पुष्कर सिंह धामी जो है व्याख्या भी करेंगे, और जो LBS अकेडमी के जो निदेशक है वो करेंगे, नीति आयोग के भी अध्यक्ष है, वो तमाम लोग इसमें जो है अपनी शिरकत करेंगे। जी अवनीश जी, हमें देखते आ रहा है कि लगातार जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो है युवाओं पर फोकस ज्यादा रहता है, वो चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े, और उसी में जो है दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में वो शामिल होंगे, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें दें। देखिए अश्मिता, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। जिस तरीके से जो आला कमान है उन्होंने बाकायदा इनपे जो है नेतृत्व पे इनपे जो है शाबाशी, इनकी पीठ भी थपथपाई थी, क्योंकि युवा नेतृत्व की बात की जा रही थी। हालांकि अपनी सीट भी हार गए थे, उसके बाद भी इनके ऊपर जो है पूरा भरोसा जताया था। और आज जो उत्तराखंड राज्य है, जो एक पहली छवि इनकी बनी है वो युवाओं के बीच में खास करके बनी है, क्योंकि युवाओं के हित में ये अक्सर रहते हैं हमेशा। जो विकास कार्यों की बात है, उनके नए नए जो है पलायन की बात करें, तमाम चीजों को लेके इनका फोकस हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी जो छवि है इनके बीच में कि ये जो है जनता के बीच में जाके जो है उनसे रूबरू होते हैं, चाहे वो चाय की टपरी वाला हो, चाहे वो रेडियो फ्रंट वाला हो, ये तमाम चीजों के बीच में जाकर जो है प्रोटोकॉल तोड़ के जो है उनके बीच में जाके संवाद करते हैं। और बाद में अभी कुछ ही देर बाद शाम को जो है ये यहाँ पे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहाँ पे बाकायदा जो उत्तराखंड दिवस है उसमें जो दिल्ली सदन है वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसमें ये शिरकत करेंगे। और प्रगति मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लग रहा है वहाँ पे भी जो है ये शिरकत करेंगे। चलिए अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश जी थे, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। 9:15 से 10 बजे तक जो है शासकीय कार्य में सीएम शामिल होंगे। वहीं कैंप कार्यालय और चिंतन शिविर में भी शामिल होंगे। मसूरी के LBS अकादमी में आयोजित कार्यक्रम